है नोडिया, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर टू विलियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो हमने विलियम विलियम की परिभाषा और विलियम के प्रकार बताए थे, इस वीडियो के माध्यम से हम विलियम की बेसिक नॉलेज और शांतता ज्ञात करने की वजह के बारे में पढ़ाएंगे। पार्ट नंबर टू विलियम विलियम एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके नाम पढ़ेंगे संतरप विलियम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा इस शुगर को डालेंगे, हम इसमें शुगर डालते रहेंगे और इस कप को हम इस ग्लास को हिलाते रहेंगे और जब जितने भी हम इसमें शुगर डालेंगे क्या होगा, इसमें वह कुछ टाइम तक घुलती रहेगी, इसे चीनी घुलती रहेगी। पर एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये चीनी इसमें विलय होनी बंद हो जाएगी और बैठनी स्टार्ट, इसकी बॉटम पर तले पर बैठनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा व्यंजन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा को न घोला जा सके संतृप्त व्यंजन कहलाता है। अर्थात ऐसा व्यंजन जिसमें एक मात्रा के और अधिक मात्रा को न बोला जा सके संतृप्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कि हमने अभी इस एग्जाम्पल के द्वारा से यह दिखाया था, इसमें हम शुगर डालते रहेंगे और इस ग्लास को हम हिलाते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसमें शुगर की जो मात्रा डालेंगे वो एक निश्चित मात्रा तक तो घुलती रहेगी। उसके बाद जितनी इसकी जल की कैपेसिटी होगी, जितनी इसमें घुलनी है इतनी शुगर इसमें घुल जाएगी। उसके बाद ये शुगर नीचे बैठना शुरू हो जाती है। जब बैठना शुरू हो जाता है तो जो विलय हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी, जिसमें एक निश्चित मात्रा के बाद ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा के बाद एक निश्चित एक मात्रा के बाद जितने उसमें घुलनी थी उतनी घुल गई, उसके बाद वो घुलना बंद हो नीचे बैठना शुरू हो जाए और अधिक मात्रा को न घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। इसका संबंध है फिर मिल
अब जो हम विलायता की डेफिनेशन पढ़ने के लिए, इसमें जो विलायक की मात्रा है वो फिक्स कर लेते हैं, ये फिक्स है कि ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम। तो उसकी डेफिनेशन देंगे 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए इसमें वाटर को विलायक कहेंगे हम, और 100 ग्राम इसमें हम विलायक है, पानी की मात्रा इसमें 100 ग्राम है। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलेय पदार्थ की आवश्यक मात्रा को, मतलब से सपोज करो 30 ग्राम हमने मात्रा इसमें मिलाई, 30 ग्राम इसमें घुल गई, उसके बाद जो है वो घुलना बंद होकर बैठने के बाद, घुलने के बाद 30 ग्राम के बाद वो घुलनी बंद हो जाती है और नीचे बैठना शुरू हो जाती है, तो इसकी विलेयता जो होगी वो 30 ग्राम होगी, यानी इसमें फिक्स मात्रा लगे विलायक की 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की विलायता कहते हैं, विलायता कहते हैं, यानी उसमें संतृप्त करने के लिए विलय की जितनी मात्रा होगी वैसे उसकी क्या होगी विलायता होगी। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए संतृप्त की डेफिनेशन पहले बताया था इसके द्वारा, ये संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की विलयता कहते हैं। नेक्स्ट है सांद्रता, कंसंट्रेशन, किसी विलयन में उपस्थित वह मात्रा जिस पर उसके भौतिक गुण जैसे रंग स्वाद कलर होते आदि निर्भर होते हैं, उस विलयन की शांतता कहलाती है। सांद्रता को जिसको कंसेंट्रेशन बोलते हैं, इसलिए सांद्रता को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद सांद्रता ज्ञात करने की विधि है, सांद्रता ज्ञात करने की बहुत सी विधि है जिसे हम प्रकार प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि सांद्रता के बारे में किसी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की वह मात्रा जिस पर उसके भौतिक गुण जैसे रंग रंग स्वाद आदि निर्भर होते हैं, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे कि किसी में
इसी में हम जो है रंगोली कलर की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो उसका ज़्यादा रंग आएगा, कम रंग लेंगे तो उसका रंग कम कला होगा, स्वाद ज़्यादा शुगर डालोगे तो कम होगा, ज़्यादा शुगर डालोगे तो ज़्यादा जो है स्वीट सो मीठा होगा, और यदि कम डालेंगे तो फीका होगा। इस आधार पर आदि ये जो निर्भर होम होते हैं इस पर उसके जो है होते दिन क्या लगे जिससे कि हम शांता कहते हैं, उसी दिन की शांता कहते हैं। शांता ज्ञात करने की निम्नलिखित विधियां हैं। शांता ज्ञात करने की मल्टीप्लाई के रूप में यूज करते हैं सबको, प्रतिशतता के पदों में इसके अंतर्गत हम भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता दूसरी आयतन प्रतिशतता डब्ल्यू बटे बी, तीसरी इन दोनों को मिलाकर प्राप्त होगी भार आयतन प्रतिशतता, आयतन में बी बटे बी होगा भार आयतन प्रतिशतता, डब्ल्यू बटे बी से सौ करेंगे इसमें जो नंबर एक के अंतर्गत ले लो, दो में हमारे नॉर्मल को नॉर्मल फिफ्थ में मोल भाज या मोलर, पीपीएम में शांत था, कुछ बोल रहा है आगे मैं अड्डे पर जाना पार्ट पर मिल जाए। तो इस ये हम सब जो है शांता ज्ञात करने की वीडियो में सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी की एक एक करके सभी
डेफिनेशन एक उदाहरण से समझाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।